सर, हमारे साथ हैं अमरीश रोहिला जी, इनसे बात करेंगे। राम राम जी। नमस्कार जी। नमस्कार। राम राम सर, क्या लगता है कि जो जो गलत नीतियां हैं बीजेपी सरकार की बता रहे हैं, अगर कांग्रेस सरकार आती है तो क्या इन सभी का सलूशन हो सकता है? ऐसा है जी, ये पहले भी पब्लिक ने देख लिया। जी जी। उड़ा सरकार थी, मनमोहन जी सरकार थी। जी जी। तो पहले भी आपने देखा है भी कैसी नीतियाँ थी, कैसी नहीं नीतियाँ। हाँ थी जी, हाँ जी। क्या काम नहीं किया? बहुत कुछ काम किया है। जी जी। गरीबों को प्लाट दिए जी, मकान बनवाए, उनके 80,000 रुपये देकर मकान बनवाए। ये जो राशन कर रहे हैं, ये किसका दिया है राशन? ये राशन भी राशन तो शुरू से ही चलता है। शुरू से चलता रहा। मनमोहन सिंह जी ने दिया है राशन, ये भी। हाँ जी, हाँ जी। इसका क्या रोल है इसमें? जो ये कह रहे हैं भी राशन मोदी ने दे रखा, मोदी ने थोड़ा राशन दे रखा, ये राशन तो कांग्रेस सरकार से बंधा हुआ है। जी जी। और जैसे कि हमारा गांव, इन्होंने 700 गज के प्लाट कहे थे, कौन 700 प्लाट दिए? जो उन्हीं के दिए हुए थे, जो भी दिया था। हाँ जी। इसे ज़्यादा बताओ और क्या करेंगे? देश सारा देश बेच दिया उन्होंने, रेल बेच दी, जहाज बेच दिए, बिजली बेच दी, सब बेच दिया, और क्या रह गया देश में? क्या छोड़ के रखा देश में इन्होंने? और क्या लगता है कि जैसे इस बार कुरुक्षेत्रा से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही गठबंधन में प्रत्याशी आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। क्या अगर सुशील गुप्ता जी जीतते हैं, क्या दोनों गठबंधन की पार्टियां हैं, क्या वो विकास कर पाएंगी? बिल्कुल कर पाएंगे जी, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। और जैसे हमारा गांव बागल है, हाँ जी, हाँ जी, गुला ब्लॉक में सबसे बड़ा गांव है। हाँ जी, बिल्कुल। यहां से क्या लगता है कि कितने परसेंट वोट कांग्रेस को जाएंगे और कितने बीजेपी को जाएंगे? कम से कम जी 70% वोट जाने चाहिए जी कांग्रेस को। कांग्रेस को मतलब उड़ा साहब के नाम से जी। जी जी। साहब ने काम किए हुए हैं पहले? बिल्कुल किए हुए हैं जी काम। उड़ा साहब ने कोई कमी छोड़ी नहीं जी, जी। कोई कमी किसान के लिए, मजदूर के लिए कोई कमी छोड़ी नहीं। उड़ा साहब ने जो इतना बढ़िया काम कराया था, नौकरियों जिम्मेदारों का, हर एक वर्ग का काम किया उड़ा साहब ने जी। ये सबको पता भी है। हाँ जी। चलिए, धन्यवाद सर।